जी हाँ दोस्तों, छत्रसाल स्टेडियम में 4-5 मई की रात को जो घटना घटी थी उसने सबको हिला कर रख दिया। आपको बता दें दोस्तों, ये साल खत्म होने को है, नया साल लगने को है, 4-5 मई की रात की ये घटना थी, लेकिन अभी तक इस केस की कुछ ऐसी बड़ी सुनवाई को लेकर अपडेट सामने नहीं आई जिसमें सागर धनखड़ के परिवार वालों को कुछ खुशखबरी मिले इस बात को लेकर कि उनके बेटे को इंसाफ मिला है जो स्वर्ग सिधार चुका है। आप सभी को ये भी जानकारी होगी दोस्तों किस तरीके से सागर धनखड़ हत्याकांड केस हुआ था, किस तरीके सुशील कुमार का नाम इस केस में उछला था, सबसे ज़्यादा नाम उन्हीं का आया था और जेल के सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा, काफी उनके साथी भी इसमें इंक्लूड थे। लेकिन इन सब चीजों को अगर साइड रखा जाए तो कुश्ती की दुनिया में इस साल कुछ ऐसे बड़े काम भी हुए जिसको सुनकर फैंस के चेहरे पर खुशियां आई, जैसे दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया बजरंग पुनिया का मेडल जीतना, भारत देश का नाम रोशन करना, बाकी खिलाड़ियों का बेहतरीन खेलना। तो बहुत कुछ हमें गुड न्यूज बैड न्यूज हमें देखने को मिला कुश्ती की दुनिया से, लेकिन सबसे निराश करने वाला तो यही था कि 2 बारी ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पर सागर धनखड हत्याकांड केस का गंभीर आरोप लगा। अब आपको बता दे दोस्तों, इस साल ऐसा क्या हुआ, मतलब 4-5 मई की बात से क्या इस केस में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अभी तक सागर को इंसाफ नहीं मिल पाया है। खबरें जो दोस्तों सामने आई, अब ऐसी खबरें हैं कि 3 जनवरी 2022 को इस मामले पर सुनवाई होनी है, क्योंकि रोहिणी कोर्ट ने रेसला सागर धनखड हत्या की मामले दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पूरक चार्जशीट पर सुनवाई टाल दी थी। अब इस मामले की सुनवाई 3 जनवरी 2022 तक होगी। हुआ यह दोस्तों कि रोहिणी कोर्ट में एडिशनल सेशन जज शिवाजी आनंद के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई टाली गई। 27 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने दूसरी चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 17 लोगों को आरोपी बनाया है। पहले चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार को मुख्य आरोपी और 12 लोगों को आरोपी बनाया था, लेकिन तब खबरें सामने आई दोस्तों किस तरीके से बीते 5 सितंबर को कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पिछले 29 सितंबर को कोर्ट ने इस मामले के एक और आरोपी अनिरुद्ध दहिया को जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर दाखिल पहली चार्जशीट पर कोर्ट ने 6 अगस्त को संज्ञान लिया था। बीते 2 अगस्त को क्राइम ब्रांच ने 170 पन्नों की पहली चार्जशीट दाखिल की थी। लेकिन बताते चले दोस्तों कि 23 मई की सुबह पहलवान सुशील कुमार को मुंडका से गिरफ्तार किया था, वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल था क्योंकि 4-5 मई की रात की घटना थी, उसके बाद 23 तारीख को गिरफ्तार हो रहा है पहलवान कितना बचता नजर आया था। 1 लाख तक का इनाम इस पर रखा गया था, मतलब जिस पर कभी इनामों की बौछार होती थी, बारिश होती थी, इनाम इतने मिलते थे लाखों के, उसी पर दोस्तों इनाम रखा जा रहा है कि जो भी उसी खबर देगा उसको 1 लाख मिलेगा। यह हैरान करने वाला था। उसने पहले रोहिणी कोर्ट ने 15 मई को सुशील कुमार समेत 9 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। दिल्ली पुलिस की ओर से पहलवान सुशील कुमार के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। आपको बता दें दोस्तों, रोहिणी कोर्ट ने 10 दिसंबर को इसी मामले में आरोपी गौरव लोरा को अपनी सगी बहन की शादी में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल पर रिहा करने की अनुमति दी थी। उससे पहले 18 नवंबर को कोर्ट ने गौरव को 12वीं क्लास की परीक्षा में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल देने का आदेश दिया था। इसी मामले में आरोपी प्रिंस दलाल की अंतरिम जमानत याचिका 25 नवंबर को खारिज कर दी थी। दहिया को 10 जून को गिरफ्तार किया गया था दोस्तों। अनिरुद्ध दहिया सुशील कुमार के साथ ही बताए गए थे, अजय नाम का भी था, कई सारे ऐसे नाम थे जो मुख्य रूप से थे, लेकिन सुशील कुमार को मुख्य रूप से इस केस का एक कह सकते हैं एक जांच का एक बनाया गया था जरिया, जिसके जरिए इसके सारे आसपास इर्द गिर्द जितने भी सबूत गवाह और जितने भी इसके साथी थे सब इकट्ठा किया गया, लेकिन सुशील कुमार केस के रूप में ये नाम उभर के सामने आया। तो 3 जनवरी को दोस्तों यानी कि 2022 शुरुआत साल की है, उम्मीद रहेगी कि सागर को इंसाफ मिले। हम ये नहीं चाहते, या कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी ऐसे व्यक्ति पर लांछन लगे जिसने कुछ ना किया हो, सजा उनको मिले जिसने कुछ ऐसा बुरा किया है जिससे आगे आने वाले समय में किसी के साथ कुछ बुरा ना हो। यही दोस्तों बात थे, सुशील के बाकी साथी भी कहते नजर आए थे कि अगर सुशील आरोपी है तो हम उसे आरोपी की निगाहों से देखेंगे, अगर वो कहीं ना कहीं दोस्तों बेकसूर है तो हम उसको बेकसूर ही मानेंगे। तो ये चीज़ निकल कर आई थी इस केस में। बाकी बात करें दोस्तों किस तरीके से इस केस की और भी, तो और कड़ियाँ जुड़ती नजर आई थी लगातार। सोनू महाल का जब बयान सामने आया था वो तो और भी दर्दनीय था, मतलब सोनू महाल ने जो बातें कही थी सबके सामने आकर वो ये था दोस्तों किस तरीके से सुशील कुमार केस में कुछ ना कुछ गलतियाँ सुशील की थी, कुछ उन लड़कों की भी थी जिन्होंने सुशील के खिलाफ साजिश रचने का एक मास्टर प्लान बनाया था दोस्तों। खबरें ऐसी थी कि सुशील कुमार को इस बात का पता चल रहा था कि सागर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पूर्व कोच के किसी अखाड़े में जाने को तैयार थे। तो आप अगर सोचे दोस्तों सुशील की जगह अपने आप को रखिए, कोच के रूप में रखिए, तो आप अपने आप को नीचा महसूस करेंगे। जब 23 साल का एक युवा पहलवान से ज्यादा तरजीह मिल रही है कहीं ना कहीं दोस्तों, तो उस पहलवान के दिल पर चोट पहुंचेगी ही पहुंचेगी। लेकिन इन सब चीजों में सुशील कुमार को यह बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। जब सुशील कुमार दोस्तों ये घटनाक्रम से भागा था, या यूं कहें बच के
छुपने की कोशिश कर रहा था, तो जो दोस्तों सीसीटीवी फुटेज थी कई सारी, वहाँ की जो मीडिया रिकॉर्डिंग थी वो सारी हटा दी गई थी, ऐसी खबरें सामने आई थी। जो गोलियों के खोखे थे एक फालतू में, यानी कि बेवजह गोलियाँ चलाई गई थी डराने के लिए, उन खोखों को भी बटोर दिया गया था, खून के दाग मिटाने की कोशिश की गई थी। जब पुलिस का सायरन बजा था तो कई सारे पहलवान गेट फांग कर भाग गए थे, कई सारे पहलवान छुपते नजर आए थे। सुशील कुमार उसी रात छत्रसाल स्टेडियम के कहीं कोने में, मतलब कह सकते हैं कि उसका अपना पर्सनल रूम हो सकता है, जहाँ पर वो सोता नजर आया था। तो ऐसी खबरें सामने आई थी। उसके बाद दोस्तों जब पता चला, उसने सुबह उठा तो अपने किसी साथी से कहा था कि जाओ और इन सब के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करा कराओ। साथी को तभी पता चलता है कि इन सब की पिटाई के बाद सागर की उसमें जान चली गई। उसके सर पे दोस्तों ब्लंट ऑब्जेक्ट लगा था, उसकी मल्टी फ्रैक्चर, यानी कि इतनी उसकी हड्डियां टूट चुकी थी कि वो खड़े होने लायक नहीं था। उसके सर पर गहरी चोट लगी थी जिससे उसकी जान चली गई थी, लेकिन इस बात से अनजान था सुशील कुमार। उसको लगा था सिर्फ पिटाई की है, लेकिन पिटाई इतनी गंभीर हो गई कि वो दम तोड़ दिया पहलवान सागर धनखड़। तो ये एक दर्दनीय घटना थी कि मतलब कितनी बुरी तरीके से, कितनी बेरहमी से पीटा। यही बात सागर के परिवार वाले भी कहते नजर आए थे कि अगर सागर की कोई गलती थी तो हमसे बताया होता, हम उसको अपने तरीके से समझाते, अपने या तो उसको छत्रसाल स्टेडियम से हमेशा के लिए निकाल दिया होता, लेकिन उसके साथ इतनी बेरहमी से पिटाई करना, आप खुद कल्पना करिए दोस्तों कि मतलब सुशील कुमार थे या नहीं थे। सीसीटीवी फुटेज तो सामने आई थी, उनके हाथ में डंडा भी दिखा था। अब कल्पना करिए कि किसी इंसान की जान जा रही है, वो भी पीट पीट कर, मतलब गोली मारना, किसी की जान लेना, धक्का दे देना, वो बात अलग होती है, ऑन द स्पॉट अलग जान जाने का एक जरिया होता है, जाने का मतलब अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन पीट पीट कर कितना दर्द से तड़पा होगा वो पहलवान, वो चीज़ें दोस्तों बयां भी नहीं की जाती शब्दों में, वो चीज़ें दर्द महसूस भी नहीं किया जा सकता जो उस पहलवान ने महसूस किया था। उसके दोस्त पर क्या बीती दोस्तों, भले ही बुरे काम या अच्छे काम में साथ देते थे उसके दोस्त, लेकिन उस पर क्या बीती थी सोनू महाल पर, अमित पर, भिंडू पर, जितने भी उसके साथी थे उन पर क्या बीती थी जब अपने दोस्त को इतना बेरहमी से पिटते देखा था। तो ये दर्दनीय घटना थी साल 2021 की सुशील कुमार केस से जुड़ी कुश्ती की दुनिया से। कई खबरें ऐसी सामने आई थी उसके बाद कि कई माँ बाप ऐसे थे जो अपने बच्चों को पहलवानी की दुनिया से दूर रखना चाह रहे थे, कुश्ती से अलग रखना चाह रहे थे। इसके पीछे का एक रीज़न बताया गया था संपत्ति विवाद था, कोई कह रहा था कि पहले से इन दोनों के बीच राइवलरी चल रही थी, किसी और के अखाड़े में जाने की बात चल रही थी। तो ये सारी घटना जब सामने आती रही, एक एक करके कड़ियाँ जुड़ती गई, तो मतलब एक प्रॉपर कंक्लूजन नहीं निकला कि किस वजह से आखिर ये सब अंजाम हुआ, किस वजह से ये कदम उठाया गया। लेकिन इतना पता है कि लड़ाई हुई थी, उसकी जान गई, जिसकी वजह से गई उसको सजा मिलनी चाहिए, उसमें चाहे किसी का भी नाम क्यों ना हो। हमने इस साल देखा दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में जितने पहलवान मेडल जीत कर आए, भारत देश ने उनका कितना सम्मान किया। अब सोचिए सुशील कुमार ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार काम कर चुके हैं, लेकिन उन्हीं सारे फैंस ने सुशील कुमार को अपनी सराखों से अब नीचे गिरा दिया, क्योंकि ऐसा काम जो किया था सुशील कुमार ने। परिवार वालों ने सोशल मीडिया से दूरी बना ली है, कोई भी दोस्तों पहले इंस्टा पर सब एक्टिव रहते थे, 4 मई तक की सबकी पोस्ट नजर आएगी, लेकिन उसके बाद अब किसी की पोस्ट नजर नहीं आ रही। सागर के परिवार वालों ने अपना एक युवा बेटा खो दिया है जो बुढ़ापे का सहारा बनता, उसको उसकी जवानी में ही खोना, अपनी आंखों के सामने जाते देखना, कितना दर्द में बीता होगा वो परिवार, तो वो कल्पना नहीं की जा सकती। ये था दोस्तों सुशील कुमार केस, 3 जनवरी का इंतजार है, देखते हैं कि क्या सुनवाई होती है इस मामले पर। अब नहीं, नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।